आपने क्यों जहमत की उन दो बेशर्मों को बोलती? वो तो पास्ता खा के ढेर ही हो गए। अरे आप मुझे बताएं, मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आपसे क्यों काम करवाएंगे हम, आप तो मेहमान हैं। घर का सारा काम आप खुद ही करते हैं? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी दादी रहते हैं। ओहो, और वो दोनों? वो दोनों तो आज ही आए कराची। वैसे आपने पास्ता बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू, मुझे इटालियन फूड बहुत पसंद है। फिर तो आप जाती रहती होंगी इटली। मेरा क्या, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। क्यों, आपके अब्बू की ट्रैवल एजेंसी है? नहीं, मैं उड़ती हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर। वैसे मैं भी उड़ता हूँ, सुपरमैन हूँ, लेकिन लोगों की वजह से बैन हूँ। वो क्यों? क्योंकि लोगों ने शिकायत कर दी कि ये जब उड़ता ना, ये हमारे घरों में झांकता है। वेरी फनी। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। आप भी ना बहुत शरारती हैं। लगता है बात बन गई। वैसे और तो और मेरे पास बिजनेस आइडियाज भी बहुत हैं। Really? जी ठीक। एक दफा ना इसने गधे को काला सफेद पेंट करके ज़ीब्रा बना के बेच दिया था। आपको पता है पढ़ाई में इतना कमजोर है कि इसने एक बार सर ने सवाल पूछा कि जब बिजली चमकती है तो लाइट पहले और आवाज बाद में क्यों सुनाई देती है। ये बेवकूफ इंसान कहता है क्योंकि हमारी आंखें आगे और कान पीछे हैं। तो तूने कौन सा टॉप किया था? एक दफा ना इसके अब्बू ने इसे कहा कि अगर फेल हो गए तो मुझे अब्बू मत कहना। लो जी रिजल्ट आया, बिलाल साहब फेल। अब्बू ने पूछा कि क्या बना रिजल्ट का, तो कहता है रहन दो बशीर साहब, ना ही पूछो तो बेहतर है। You're so funny. आप लोग बहुत फनी हैं। मेरे तो हंस-हंस के पेट में दर्द हो गया है। बहुत मजाक हो रहे हैं यहाँ बैठ के। दादी ने सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे बहाज आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं वहां क्यों, तुम यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या क्या दिखाना है? अब तुम आओ ना, मैं दिखाता हूँ, तुम आओ। डरो मत, डरो मत। चलो तुम चलो, डरो मत।